गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट नया चैप्टर है अभी कॉशीट। ये सबसे बेसिक चैप्टर में आता है, बट मैं इसको काफी लेट से ही पढ़ाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कॉशीट से ही कॉस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, बट मेनी टाइम्स तो मैं एकदम लास्ट चैप्टर में कॉशीट पढ़ाता हूँ। थोड़ा अलग है यहाँ का हिसाब किताब। है बहुत आसान सा, एक फॉर्मेट है, उसमें आपको सारे कॉस्ट डालने हैं। बेसिकली कॉस्टशीट का कॉन्सेप्ट बना कि आप अपने प्रोडक्ट का या फिर अपने जॉब का, यानी कि कस्टमर से जो काम लेते हो वो जॉब का, या फिर एक पूरे पीरियड का कंपनी में जो जो खर्च कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसका कॉस्ट निकाले एक स्ट्रक्चर्ड तरीका से। ऐसे तो देखिए, कभी घर पे कारपेंटर आएगा ना, बोलेंगे ये फर्नीचर ऐसा ऐसा करके ठीक कर दीजिए और ये वाला बना दीजिए, तो वो भी कागज पेन निकाल लेता है और उसमें लिखने लग जाता है, लकड़ी इतना का आएगा, फेविकॉल इतना का आएगा, है ना, लेबर इतना लगेगा, सब जोड़ के सर इतना लगेगा। तो उसने क्या बनाया, कॉस्टशीट ही तो बनाया। बस वो कॉस्टशीट क्या है ना कि वो ही समझ सकता है, उसका हैंडराइटिंग, उसका लैंग्वेज, उसका स्पेलिंग, वो जो लिखा वो वही समझ पाता है। वो हमें बैठ के समझा देगा कि हमने ये लिखा है सर, तो समझ में आएगा। अगर आप उसको किसी और को रेफर करने देंगे, कोई और कारपेंटर को भी देंगे, तो भी वो शायद ना समझेगी ये क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। अब हम लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं यहां पर। अब एक कंपनी में अगर एक मैनेजर आके अपना भाषा में कॉस्टशीट बना गया और फिर उसका जूनियर लोग ही नहीं समझ पाया, या फिर वो मैनेजर एक कंपनी में ज्यादा दिन नहीं रहा, फिर दूसरा मैनेजर आया वो नहीं समझ पाया, तो कंपनी चलेगा कैसे? इसलिए जरूरत लग रहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो जिसको फॉलो करके एक कंपनी में कॉस्टशीट बने, तो कंपनी के तो सब आदमी समझ ही जाएंगे, एज वेल एज कभी एक कंपनी से दूसरा कंपनी में कोई मैनेजर गया, ओके, तो उस कंपनी में भी कॉस्टशीट उसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से बनाया जा रहा हो, तो वहां पे वो जल्दी काम टेक ओवर कर पाएगा। इस कंपनी में कोई नया आदमी आया तो वो भी टेक ओवर कर पाएगा। ये नया मैनेजर आके पुराना कोई कॉस्टशीट रेफर करना चाह रहा है तो पुराना कॉस्टशीट एक स्ट्रक्चर्ड तरीका से बना हुआ तो रेफर कर पाएगा, करेक्ट। ये क्रॉस रेफरेंस तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। इसके लिए चैप्टर है कॉस्टशीट। तो सर एक चीज और बताइए, फॉर्मेट किसने बनाया? आप जो फॉर्मेट पढ़ाएंगे वो किसने बनाया? वो फॉर्मेट एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, ये दोनों मिलके बनाते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये इनका ही मेन काम है कि इंडिया लेवल पे एक कॉमन फॉर्मेट आ जाए, ओके? तो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, हम आपको एक तो फॉर्मेट दिखाएंगे जो एग्जाम में काम आता है सम सॉल्व करने के लिए, और एक फॉर्मेट दिखाएंगे जो रियल वर्ल्ड में काम आता है। तो रियल वर्ल्ड का फॉर्मेट एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम का फॉर्मेट अलग है, रियल वर्ल्ड का फॉर्मेट अलग है। और ऑब्वियसली जो फॉर्मेट्स हैं वो एक दिन में नहीं बने, पहले कुछ था फिर कुछ था फिर कुछ था, परिवर्तन आते आते आज एक ढांचा बन के खड़ा है। समझ में आ रहा है? तो कॉस्टशीट इज बेसिकली, यू नो व्हाट इट इज कॉस्टशीट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ओके, इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। व्हाट इज कॉस्टशीट? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईदर अ प्रोडक्ट और अ जॉब, और इट कैन बी फॉर अ पीरियड। पीरियड कैन बी से 1 month, 1 quarter और 1 year, ओके, एक साल का पूरा कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो यू कैन फ्रॉम दिस डिस्टिंग्विश 3 types ऑफ कॉस्टशीट। 1 कैन बी प्रोडक्ट कॉस्टशीट, अनदर कैन बी जॉब कॉस्टशीट, 3rd कैन बी पीरियोडिक कॉस्टशीट, पीरियड कॉस्टशीट, ओके। व्हेन वी स्टडी कॉस्टशीट एज अ चैप्टर, वी यूजुअली स्टडी पीरियड कॉस्टशीट, बिकॉज जॉब कॉस्टशीट एंड प्रोडक्ट कॉस्टशीट कम्स इन अ सेपरेट चैप्टर।
जॉब कॉस्ट शीट का सम्स और प्रोडक्ट कॉस्ट शीट का सम्स हम लोग ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं उसके साथ करते हैं या जॉब कॉस्टिंग नाम का चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें करते हैं। इस चैप्टर में फोकस रहता है पीरियोडिक कॉस्ट शीट का कि फॉर्मेट आप अच्छे से सीख जाए और पूरा पीरियड का कॉस्ट उसमें कैसे अकाउंट होगा वो सीख जाए। ओके नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो लिखिए ना। लिख लिया, वेरी गुड। ओके तो ये इसको आप पॉइंट नंबर वन बोल दीजिए। पॉइंट नंबर टू में आइए, पॉइंट नंबर टू में आइए। हम अब लिखा जा रहे हैं आपको फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट से आपको पहले ये बेसिक जानना है कि कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एक्सपेंसेस। समझे, एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माने क्या हुआ, एनीथिंग अदर देन मटेरियल लेबर, एनीथिंग अदर देन मटेरियल लेबर आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। फिर इस एक्सपेंस को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक सोचा गया डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा सोचा गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट से जोड़े जा पा रहे हैं, जिसको आप एक प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे मोमबत्ती बनाना है तो उसका डाइस बनाना होगा, तो डाइस का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कोई बुक प्रिंट करना है तो उसका प्लेट बनाना होगा, डिजाइन प्लेट, वो डिजाइन प्लेट का कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया एनीथिंग अदर देन मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब वो क्या हो गया, उसको फिर फर्दर कैटेगराइज किए कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये एक्चुअली समझना बहुत मुश्किल होता है कि कहां पे कितना लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, क्यों लग रहा है। सब समझ में आ रहा है कि कंपनी चल रही है तो लग रहा है, बट कब लग जाता है पता नहीं चलता। इसलिए जो समझ में नहीं आए उसको हम बोल दिए ये ऊपर से जा रहा है, यानी ये ओवरहेड्स हो रहा है। हाँ, ओवरहेड माने ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहां पे कितना लग जा रहा है। तो इसको भी समझने के लिए इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। अगर फैक्ट्री में लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड बन गया, अगर ऑफिस बन गया है हमारा बड़ा कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग में अकाउंट्स अकाउंट्स हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बन गया, और फिर शोरूम वोरूम सेल्समैन के ऊपर लग रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बन गया। ठीक है, तो इन टोटल कॉस्ट के कितने हिस्से हो गए भाई, इन टोटल कितने हिस्से हो गए, मटेरियल लेबर एक, दो डायरेक्ट एक्सपेंस तीन, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तीन पार्ट में तोड़ा, चार पांच छह, इन छह आइटम को जोड़ दीजिए तो कॉस्ट शीट तैयार। तो कॉस्ट शीट में छह एक्सपेंस होते हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ठीक, अब इसमें ऑर्डर बना दिया एक कि पहले ये होगा, बाद में ये होगा, बाद में ये होगा। ओके, वो ऑर्डर सीख लेना है और उसके बाद आपको बीच बीच में टोटल लेने का सिस्टम बना दिया है कि मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ के एक टोटल आता है, वो टोटल का नाम सीखना है। बीच बीच में एक एक आइटम को जोड़ते जोड़ते एक टोटल तैयार होता है, वो टोटल का नाम सीखना है, ऑर्डर सीखना है। ठीक है, और फिर हमने ये भी बनाया कि कौन कौन सा खर्चा ये छह हेड में जाएगा। ये छह एक्चुअली हेड है, ये छह खर्चा नहीं है, छह कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस है। तो कौन कौन सा खर्चा इस छह में घुस जाता है और कौन सा खर्चा इन छह में कहीं नहीं आता। सर जैसे जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ आएगा बोलो, कहीं नहीं आएगा। तो ऐसे कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं जो इन छह में नहीं आएगा, अगर इन छह में नहीं आएगा तो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, वो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर टैक्स तो दिया ही है, खर्चा तो लगा ही है। अरे बस बात यही है, इसीलिए तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कि जितना पॉकेट से पैसा लगा सब कॉस्ट नहीं होता है।
कॉस्ट वही होता है जो ग्राहक से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज आप चार्ज कर सकते हैं उसी को इस 6 हेड में डाल सकते हैं, और जो नहीं चार्ज कर सकते वो अपना घर से भरिए। आपको ग्राहक से जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट से माइनस कर लीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। कुछ खर्चा आपको अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा, मतलब वो आप किसी से चार्ज नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट आप अपना एसजेसी मैट का पेज नंबर 12 में चले आइए, एसजेसी मैट का पेज नंबर 12 में चले आइए, वहां पे आके देखिए कॉस्ट शीट फॉर्मेट। ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीन आइटम आया, तीनों मिलके आ गया प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, अकाउंट्स का बुद्धि से सोचना पड़ेगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ऐसा ही होता है ना अकाउंट्स में करते हैं ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक। डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हो गया स्पेशल एक्सपेंसेस, जैसा मैं एग्जांपल आपको दे रहा था डाइस का खर्चा, डिजाइनिंग का खर्चा, ओके। इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि मटेरियल पे एक अलग चैप्टर है आपका, वेजेस पे अलग चैप्टर है, डायरेक्ट एक्सपेंस पे अलग चैप्टर है, ओके। तीनों को जोड़ के आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम माने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं, इसलिए प्राइम। प्राइम माने इंपॉर्टेंट, मेन, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात और सुनो सर, आप कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो मटेरियल कोई पहले क्यों लिखते हैं, वेजेस पहले नहीं हो सकता है क्या? हाँ, मटेरियल के बिना किस पे काम करेगा? लेकिन वर्कर नहीं आएगा तो मटेरियल का अकेला क्या करेगा? इंपॉर्टेंस तो दोनों का ही है, तो ऐसा क्यों लॉजिक है कि पहले ही मटेरियल है बाद में वेजेस है? इसका रीजन है कि इन जनरल एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट देखोगे तो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट मटेरियल होता है, इसलिए मटेरियल पहले है। तो सर अगर मेरा कंपनी में वेजेस का सबसे हाईएस्ट होगा तो हम पहले लेबर लिखेगा? हाँ सर, कहाँ ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर वालों क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट में लेबर कॉस्ट ही तो होता है, मटेरियल क्या होता है, कुछ नहीं होता। सर आप एसजीसी का कॉस्ट शीट बनाते हैं? हाँ सर। आप क्या लिखते हैं? रेंट। हमारे यहां पे सबसे ज्यादा कॉस्ट रेंट का है। सो जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में इन जनरल जिस कॉस्ट का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, उसका माथा में हेडेक हमेशा रहता है। तो जैसे ही कोई हम लोग को पूछता है आपका कॉस्ट क्या है, तो सबसे पहले मुंह से बाहर आएगा रेंट। तो नॉर्मली जहां पे फिनिश गुड्स बनता है वहां पे सबसे हाईएस्ट कॉस्ट मटेरियल का होता है, इसलिए मटेरियल पहले। बट वो अब सिस्टम बन गया, अब यह कल्चर बन गया। अब आप अपना सम्स में ऐसे खोज के किसी और आइटम को ऊपर नहीं कर देना। बस आपको मैंने एक लॉजिक दिया कि इस तरह से सोच के हमने मटेरियल को ऊपर रखा हुआ है। जैसे एल्युमिनियम का फैक्ट्री में पावर सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होता है, पावर, क्योंकि एल्युमिनियम स्क्रैप से भी बन जाता है, आयरन का स्क्रैप से भी एल्युमिनियम बन सकता है। तो मटेरियल कॉस्ट उतना नहीं है, वेजेस कॉस्ट भी उतना नहीं है, बट मेन कॉस्ट है उधर बिजली, पावर। तो लोग पावर को पहले रख के चलता है। तो इंडस्ट्री अपने हिसाब से आइटम्स को ऊपर नीचे कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक लिखा हुआ है नेट ऑफ स्क्रैप सेल्स, मतलब फैक्ट्री में कभी कचरा कूड़ा स्क्रैप निकला तो उसको वो बेच के जो रुपया आया वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही माइनस कर लेना, इसलिए नेट ऑफ स्क्रैप सेल्स। फिर एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP कर रहे तो आ रहा है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट, इसी का नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना का खर्चा किया तो प्रोडक्शन हुआ, इतना खर्चा किया तो प्रोडक्शन हुआ। एक्चुअली पूरा फैक्ट्री तक यही खर्चा लगता है, इसी को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट माने फैक्ट्री तक का खर्चा। बट बात है कि खाली फैक्ट्री का
फैक्ट्री खोल लेंगे, फैक्ट्री का खर्चा करेंगे, तो अब कंपनी चलता नहीं। कंपनी चलाने के लिए आजकल बहुत अकाउंट्स वगैरह करना पड़ता है, बहुत बुद्धिमान आदमी लोग को हायर करके डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। और अगर वो बुद्धिमान आदमी फैक्ट्री का वर्कर को जाके मैनेज नहीं करेगा तो फैक्ट्री का वर्कर काम नहीं करेगा। तो एक मैनेजमेंट कॉस्ट आ गया अलग से। तो मैनेजमेंट कॉस्ट जब आ गया तो वो लगता तो फैक्ट्री में नहीं है, वो बाहर में कहीं लग रहा है, बीच बीच में फैक्ट्री में जाके मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब इनकर हो रहा है फैक्ट्री के बाहर, बट बोल रहे हैं कि बाहर में भी बैठ के माथा में तो फैक्ट्री चला रहे हैं, माथा में तो यही सोच रहे फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा और बेहतर कैसे होगा। तो मैनेजमेंट का जितना खर्चा है उसको भी डिसाइड किया गया कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड कर दिया जाए, तब बोला जाए कि अब जाकर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आया है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट का दूसरा नाम हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, उसको जोड़ा तब जाके बोला कि अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आया है। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऊपर में भी प्रोडक्शन कॉस्ट, नीचे में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए लिखने वालों ने नाम चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों एक ही चीज है रे भाई। टेक्निकली अगर इंग्लिश से मैं सोचो, प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। टीचिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टीचिंग, क्या फर्क हुआ? एक ही चीज तो है इंग्लिश के हिसाब से, बट आपका फॉर्मेट में उसका नाम अलग रख दिया जिससे कि आप पहचान सके कि प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ और है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, फॉर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितना फिनिश गुड्स आपने बनाया उसका कॉस्ट ये इंडिकेट कर रहा है। अब आपको अगर अपना पूरा पीरियड का हिसाब लगाना है तो आप अपने पीरियड का कॉस्ट जब भी देखते हो, ध्यान देना, पीरियड का कॉस्ट जब भी देखते हो तभी आप अपना ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करते हो। ये ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट तब करते हो जब आप अपना पूरा पीरियड का हिसाब देख रहे हो। जैसे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जानना है ना खाली, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट में खाली आइटम ऑफ कॉस्ट आता है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, बस। जैसे आप अगर कस्टमर हो, आप मेरे से आके पूछोगे सर आपका ये मैट का कॉस्ट क्या है, तो मैट का कॉस्ट बताने के लिए मैं क्या जो देखूंगा, इसका मटेरियल, इसका वेजेस, इसका ओवरहेड, दैट्स ऑल। मैं थोड़ी जाके देखूंगा कि मेरा वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, मैं थोड़ी जाके देखूंगा कि मेरा इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट का कॉस्ट बताते वक्त इन्वेंट्री देखने का जरूरत नहीं पड़ता। इन्वेंट्री कब देखते हैं? जब हम पूरा एंड ऑफ द पीरियड में बैठ के अपना कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। तो एड ओपनिंग फिनिश गुड्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मालूम है ना कि ये वाला फिनिश गुड्स पिछला बार तो बिका नहीं था, इस बार बिकेगा, तो इस बार इसका कॉस्ट मान लेना चाहिए। जब फिनिश गुड्स बिकता नहीं है हम लोग उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, हम लोग बोलते हैं वो एसेट है, वो अगला बार बिकेगा तब कॉस्ट बनेगा। और ओपनिंग फिनिश गुड्स को कॉस्ट का पार्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इस बार सेल हो जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट है। तो एड ओपनिंग फिनिश गुड्स किया, मानिए यहां पे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ 10,000 यूनिट, सोचो, और ओपनिंग फिनिश गुड्स था मेरे पास 2,000 यूनिट पहले से, उसका कॉस्ट आपको क्वेश्चन बता देगा या आपको पुराने पीरियड से मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस बार आपने 2,000 अगर ओपनिंग में है, 10,000 बनाया, तो आपके पास 12,000 यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए 12,000 है, इसीलिए इन दोनों का कॉस्ट का नाम पड़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब अवेलेबल फॉर सेल हो गया आपका 12,000 यूनिट, उसमें से समझिए 3,000 यूनिट बच गया, फिर जो बच गया उसको बोलते क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये है अनसोल्ड, अनसोल्ड फिनिश गुड्स, ठीक है। अनसोल्ड फिनिश गुड्स मतलब ये बिका नहीं, ये बच गया। तो 3,000 बच गया तो 9,000 क्या हुआ, 12 में से 3 बच गया तो 9,000 क्या हुआ, सोल्ड हो गया। तो इसलिए इसका कॉस्ट का क्या नाम पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बात ये कि बेचने के लिए मेहनत होता है अलग से, जो पहले नहीं होता था अब होने लग गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग से कॉस्ट लगता है, तो उसको हमेशा यूनिट सोल्ड के कॉस्ट पे जोड़ा जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पे क्यों नहीं जोड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इन्वेंट्री पे नहीं लगता है, वो जो बिकता है उसी पे लग रहा है, ओके, इसलिए ये यहां पे रखा गया। और आप जब इसको इसमें मिलाए तो आना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट फॉर्मेट बनाने वाले बोले अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले भी तो हो ही गया,
तो कुछ ऐसा सोचो जिससे वो अलग लगे, तो एक नया नाम रख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। टेक्निकली इंग्लिश के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई फर्क नहीं है। सोच के देखो, इंग्लिश के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स तो एक ही चीज है, बट हमारा फॉर्मेट दोनों को अलग अलग बता रहा है, जिससे कि आप सेलिंग ओवरहेड एक में लें एक में नहीं लें। फिर जोड़ा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद आप प्रॉफिट देखकर सेल्स पता कर सकते हो, या सेल्स मालूम है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके प्रॉफिट पता कर सकते हो। कुछ कंपनियां अपने हिसाब से सेल्स प्राइस फिक्स करती है, कुछ कंपनियां मार्केट से सेल्स प्राइस देख के आके लिख लेती है और अपना प्रॉफिट निकालती है। दो तरह की कंपनी होती है, एक बोलती है मेरा ये कॉस्ट है प्लस मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, ये मेरा सेल प्राइस है, आपको इसमें चाहिए तो लीजिए। कुछ कंपनियां होती है बोलती है ठीक है मेरा ये कॉस्ट है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस हमको दे दीजिए, जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। दो तरह से बिजनेस होता है, अपना प्राइस खुद निकालते हैं और दूसरा हम लोग अपना प्राइस नहीं निकालते, मार्केट का प्राइस अपना प्राइस बना लेते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। समझ गए क्या? तो बस ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसी से सम होता है। और याद रखने के लिए कोई अलग से रट्टा लगाने बैठना नहीं है, एक सम करेंगे सेकंड सम से याद हो जाता है। ओके, अब एग्जाम में बस यही ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट शीट में इन्वेंट्री क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीरियडिक कॉस्ट शीट बना रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इन्वेंट्री हट जाएगा, बस यही है। और इस चैप्टर का मेन फोकस है पीरियडिक कॉस्ट शीट। ओके, ज्यादा से ज्यादा सम्स में हम लोग आपको खाली करके आ सकते हैं ना, इन्वेंट्री का वैल्यू यानी क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू गायब कर देंगे, आपको बोलेंगे आप खुद पता कर लो, तो वो सब पढ़ाई आ जाएगा एग्जाम में। एक तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पे सम आता है, दूसरा होता है कि मिसिंग फिगर, मतलब बीच बीच का कुछ आइटम दे दिया, कुछ आइटम गायब कर दिया, तो बोलेंगे मिसिंग फिगर बताओ। तीसरा आता है एकदम नॉर्मल फॉर्मेट बेस्ड सम, जिसमें आपको बस क्वेश्चन से वैल्यू देखने और फॉर्मेट में बैठाने। ओके, तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हम कॉपी में भी नोट नहीं कर रहे, बुक से सारा हम देख के समझ लिया। इसी का एनालिसिस ये वापस से लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाया था अभी, 3-6 आइटम में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ओवरहेड्स का 3 नाम, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसे जोड़ के आपका इन्वेंटरी एडजस्ट करके कॉस्ट शीट का पूरा वर्किंग किया गया है। ठीक है, अब ये रियल वर्ल्ड का कॉस्ट शीट हम लोग अपने आप देख सकते हैं। आप सारा नाम एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा, कितना बड़ा चल रहा है, चले जा रहा है। ओके, ये कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स बोलकर एक पढ़ाई होती है। पढ़ाई क्या, बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर एक रूल्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, उसके अंडर में एनेक्सर बोल के दिया गया है। ये कंपनीज एक्ट में जो रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स बनाने वाले ये गवर्निंग बॉडीज होते हैं, जो मैं आपको बोला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मिलके कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको पढ़ना है कि कॉस्ट शीट में सारे कॉस्ट नहीं आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट में सारे कॉस्ट नहीं आते, तो क्या क्या कॉस्ट शीट के दायरे से बाहर रह जाते हैं, उसका एक बेसिक नॉलेज के लिए एक लाइन ध्यान रखो कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन और सेल्स से जुड़ सकता है वो आता है और बाकी कुछ भी नहीं आता है। इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो आता है, बाकी कुछ नहीं आता। जैसे अगर आपको याद हो, अकाउंट्स में आप कभी पढ़े हो, कैश फ्लो 3 तरह से आते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो ऑपरेटिंग से जोड़ा जा रहा है, ऑपरेटिंग माने जो रोज रोज का काम है, जो डेली बेसिस का काम है, जो हमेशा होता है, उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग माने डे टू डे, तो जो डे टू डे कॉस्ट है, जो हमेशा लगता है, वही कॉस्ट शीट में आता है। मतलब जो कभी एब्रप्टली लग जाता है, अचानक से लग जाता है, वो सब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता। जो मान लीजिए रोज का काम से जोड़ा नहीं जा पा रहा, वो सब कॉस्ट शीट में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या चीज हो सकते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है, उसका एक लिस्ट हमने बनाया। एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया जैसे भाड़ा का इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आता, क्योंकि ये इनकम हर किसी को, एक बिजनेस जो चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, हम लोग ऐसा बिजनेस का बात कर रहे हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसका मेन इनकम होता है सेल्स, गुड्स प्रोड्यूस करके जो इनकम आएगा उसका इनकम का नाम है सेल्स। तो सिर्फ सेल्स ही आता है कॉस्ट शीट में।
अब आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास कहीं से भाड़ा का इनकम आ गया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। आपने कहीं और एक एक्स्ट्रा कोई बिल्डिंग ले रखा है जिसको भाड़ा पे लगाया है तो इनकम आया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो उसका कोई जगह नहीं है आपके कॉस्ट शीट में। दूसरा, लॉसेस और प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। जैसे कि अगर आप कोई एसेट बेचते हैं और उसको आपके WDV से कम दाम पे बेच देते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, WDV से कम दाम पे बेच देते हैं, तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो वो लॉस इज बेसिकली राइट ऑफ। व्हाट इज दैट लॉस? अगर मेरे पास एक एसेट है जिसका WDV 10,000 रुपया और मैं 8,000 में बेच दिया, तो आप लोग अकाउंट्स में बोलते हैं ना, 2,000 का लॉस हो गया, 10,000 का चीज 8,000 में बेच दिया, तो आप लॉस समझ रहे, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होगा, होता है अकाउंट्स का रूल बोलता है कि अब आप ये 10,000 को बुक से हटा दो, क्योंकि एसेट तो है ही नहीं, एसेट है ही नहीं, तो एसेट खाली करो 10,000 से। 8,000 रुपया बैंक बोल के ले लिया आपने, तो 2,000 रुपया PL से हटा दो, करेक्ट। तो ये बुक से कोई आइटम को हटा रहे हैं तो वो कॉस्ट नहीं हुआ। कॉस्ट मतलब वो खर्चा जिससे कुछ बन के आए, कॉस्ट मतलब वो खर्चा जिससे वो प्रोडक्ट बन के आए। अब आप कोई एसेट बेचते हो उसमें लॉस होता है तो उससे कोई प्रोडक्ट बन के आता है नहीं, और वो रेगुलर भी नहीं होता ना, एक तो रेगुलर नहीं है और एक उससे कोई प्रोडक्शन का कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा, तो ऐसा कोई प्रॉफिट भी हो रहा हो तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट डिपेंडेंट ऑन आर्बिट्ररी डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी मैनेजमेंट कोई अचानक से डिसीजन ले लिया, आर्बिट्ररी मतलब अचानक से, अनप्लैंड कोई डिसीजन ले लिया, उसके कारण कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। जैसे मैनेजमेंट ने अचानक से डिसाइड किया कि हम लोग वर्कर को इस बार एक्स्ट्रा बोनस देंगे, अचानक से डिसाइड किया, पहले से कोई प्लान नहीं था, तो एक्स्ट्रा बोनस शायद कॉस्ट का पार्ट ना बने। अचानक से हो गया, मान लीजिए कोई मैनेजमेंट ने एक MD का सैलरी दुगना कर दिया अचानक से, तो दुगना सैलरी जो हुआ वो इस बार कॉस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर वो हमेशा भविष्य में चलता रहेगा तो फिर आप उसको भविष्य में कॉस्ट का पार्ट बना सकते हो। बट एक पर्टिकुलर पीरियड में, इस पीरियड में आज अचानक से हुआ, पहले से उसका कोई प्लानिंग नहीं था, तो इस बार तो उसका कॉस्ट में नहीं इंक्लूजन होगा, अगला बार भले ही आप करिए अपना रूल्स चेंज करके। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट। ये अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन। जैसे आपके पास समझिए सेल्स से मेन इनकम आता है, सेल्स किया हमने 10 लाख का, उसमें 6 लाख का खर्चा ही लग गया, तो 4 लाख क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। अब उस प्रॉफिट को एक्चुअली बोलना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आप अपना मेहनत से अर्न किया, कस्टमर से सेल्स के थ्रू रिकवर किया, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये समझो कि 10 लाख सेल्स है, 6 लाख कॉस्ट है, 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैं अभी क्या समझा रहा हूं कि जो कॉस्ट वर्ड आप यूज कर रहे हो उसके अंदर सारे के सारे आइटम ऑफ खर्चे नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ छूट गया होगा, कुछ तो अलाउड भी नहीं है लेने के लिए क्योंकि वो कस्टमर से मांगा नहीं जा सकता। तो इस 4 लाख रुपया का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ तो अपना खर्चा पेमेंट करने में जाएगा, ठीक है। जैसे वही अभी जो सैलरी का बात हो रहा है, ठीक है, वो सब पेमेंट करने में जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हुआ नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट हुआ उससे आप टैक्स भरोगे। हाँ, ये जो आप कर रहे हो ना, अपना जो प्रॉफिट आ गया उसको बांट रहे हो, थोड़ा टैक्स वालों को दिया, फिर उससे आप मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, पार्टनर को सैलरी दे दिया, ऐसा करते हैं ना, इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आने के बाद इसको, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं मतलब बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट आने के बाद जो बांटने का काम है उसका कॉस्ट शीट से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट शीट में तो वो कॉस्ट लेना है जिससे कि प्रोडक्ट बन के आए। अब प्रॉफिट बांटने से प्रोडक्ट बन के आएगा, जैसे डिविडेंड पे करने से प्रोडक्ट बन के आएगा, कभी नहीं बन के आएगा। तो वही समझा रहे हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सब आइटम अकाउंट्स में दिया होता है प्रॉफिट निकालते वक्त। वहां अकाउंट्स का PL अलग है, हमारा प्रॉफिट निकालने का वर्किंग अलग है। हम लोग बोल रहे हैं कि वही खर्चा लेंगे जिससे प्रोडक्ट बन के आएगा, फिर सेल्स से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अकाउंट्स का PL नहीं बना रहे ना।
फिर बोल रहा है प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोज, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना है। तो देखिए ना, कॉस्ट तो बहुत पहले ही लग जा रहा है, उसके बाद सेल्स आ जा रहा है, उसके बाद प्रॉफिट आ रहा है, जीपी आ रहा है, उसमें से कुछ खर्चा माइनस हो रहा है तो एनपी आ रहा है, एनपी से फिर टैक्स दे रहे हैं। अरे बाप रे, तो टैक्स कहां से कॉस्ट बन जाएगा? फ्लो समझ जाइए, वो आइटम के बारे में सोचो जिससे प्रोडक्ट बन के आए। इनकम टैक्स पेमेंट करने से प्रोडक्ट बन के आएगा क्या? नहीं, तो छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है किसी किसी कंपनी में वर्कर को बोला गया है कि आप लोग मेहनत से काम करो, आपको आपका वेजेस तो मिलेगा ही, और कंपनी जब लास्ट में अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो उस प्रॉफिट का 10% आप लोग में बोनस बोल के बांट दिया जाएगा। ये बोनस कॉस्ट शीट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों सोचो। अब मैंने क्या बोला, ये बोनस क्यों दे रहा हूं? अच्छा से काम करो, प्रोडक्शन करो, इसलिए दे रहा हूं। तो ये बोनस भी एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है वो प्रॉफिट के आने के बाद, बट इसका रिश्ता जुड़ पा रहा है प्रोडक्शन से तो ये आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने इसलिए लिखा हुआ ब्रैकेट में, बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पेड टू वर्कर्स इज ट्रीटेड एज कॉस्ट, ठीक है, इज ट्रीटेड एज कॉस्ट। हाँ, जीएसटी, जीएसटी को बताते हैं, रुको आएगा आगे। नाउ अमाउंट रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आपका बैड डेट, बैड डेट एक ऐसा आइटम है कि आपने जब सेल किया तो ठीक से डेटर को असेस नहीं किया, कस्टमर को असेस नहीं किया कि ये पैसा वापस देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो जब आप बिना असेस किए सेल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बैड डेट हो सकता है, ओके। अब ये अगर हमेशा होता है, और इसलिए होता है कि आपको उधार पे, कई बिजनेस में ऐसा होता है ना कि उधार पे देना ही होगा, बैड डेट का रिस्क लेना ही होगा, तभी बिजनेस चलेगा, नहीं तो ग्राहक आएगा ही नहीं। कोई कोई बिजनेस होता है ऐसा, मतलब ग्राहक तभी आएगा जब आप उसको उधार दोगे और आप बैड डेट खाओगे, मतलब ये रूल है वहां पे बिजनेस का, तब आप उस बैड डेट को कॉस्ट का पार्ट मान सकते हो कि हम बैड डेट करके बिजनेस करते हैं। बट इन जनरल कोई ऐसा चाहता है कि ऐसा बिजनेस कोई होता नहीं है, तो आपके यहां बैड डेट हमेशा करना ही पड़ता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, तब बैड डेट आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पापा का एक बिजनेस है क्रॉकरीज का, ठीक है, शादी वादी में जो कांच का ग्लास बर्तन वगैरह होता है उसका होलसेल बिजनेस है, सारे केटर लोग लेते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बिजनेस करते हो, तो एकदम यही चीज बताते जो मैं आपको बोला, ले उधार में देना पड़ता है। बोले अच्छा, फिर उधार में देते तो पैसा वापस आता है? बोलते 10% पैसा कभी भी वापस नहीं आता है। 10% बैड डेट होगा ही होगा? हाँ, हमेशा ही होगा। बोला तो ऐसे लोगों से काम क्यों करते हैं? तो फिर काम करना ही बंद करना होगा, सब लोग ऐसे हैं। मतलब आपको बैड डेट करके बिजनेस लाना पड़ता है? बोले हाँ, बैड डेट करके ही सेल हो पाता है, नहीं तो सेल ही नहीं होगा। तो भाई आप कैसे इसको चलाते? बोलते हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं तो 10% कटेगा, ये पता है, तो ये मालूम है कि ये बैड डेट हो गई, ऐसा मान के बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग बैड डेट को कॉस्ट बना लेते हैं। बट हर बिजनेस में हम, जैसे हम लोग एसजेसी में ऐसा नहीं मानते हैं कि स्टूडेंट फीस मार के भाग जाएगा, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। तो हमारे यहां अगर बैड डेट हो गया तो हम आपसे रिकवर करने नहीं आते, हम अपना खुद का लॉस मान लेते हैं, हम बैड डेट को अपना कॉस्ट नहीं बनाते, ठीक है, ओके। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है ऑल्दो बैड डेट मे बी शोन इन कॉस्ट शीट, यहां पे दोनों पार्ट लिख दिया है। फिर जैसे राइट ऑफ ऑफ इनटेंजिबल एसेट, आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है, कोई गुडविल बुक्स में पड़ा हुआ है, वो सबको राइट ऑफ कर रहे हो तो उससे कुछ प्रोडक्शन होगा तो उसको नहीं आना चाहिए। फिर नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस क्या हुआ, जैसे मटेरियल इवापोरेट हो गया, आएगा आना, मतलब देखिए नॉर्मल लॉस आ भी सकता है, इट्स अलाउड टू टेक इट एज आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ओके। ये हमारा कई और चैप्टर में भी आया है, नॉर्मल लॉस को आप दिखा सकते हो, अगर उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो माइनस कर सकते हो। नॉर्मल लॉस
आप उसका एक्चुअली एडजस्टमेंट कर लेना, मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट में आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोल के भी दिखा सकते हो और ट्रीट एज फैक्ट्री ओवरहेड, कि फैक्ट्री इतना बड़ा बना दिया कि मटेरियल कहीं ना कहीं खो ही जाता है, कोई उपाय नहीं है, मटेरियल खोना ही पड़ता है, नहीं तो बिजनेस होगा नहीं, और सब चीज पे ध्यान रख नहीं पा रहे, ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा सकते हो। नहीं तो आप क्या करते हो, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्वांटिटी रिड्यूस कर लो और क्या रेट बढ़ा लो, ऐसे ही करते हैं ना अकाउंट्स में, क्वांटिटी रिड्यूस करके रेट बढ़ा लीजिए। एबनॉर्मल आइटम कुछ भी होगा तो कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गया, बड़ा बड़ा चोरी हो गया, कोई मशीन ब्रेकडाउन हो गया, उसके कारण नुकसान हो गया, तो वो सब कॉस्ट शीट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सब रुपया जनरली बोलते कस्टमर से रिकवर नहीं करना चाहिए, करे तो कोई रोक सकता है। हाँ, कोई रोकेगा तो नहीं, देखिए कस्टमर को आज जरूरत है तो वो आ जाएगा, फिर लेके चला जाएगा, बट उसको जहां मालूम पड़ेगा ये कंपनी ऐसा ऐसा करता है अगला बार नहीं आएगा। भाई मेरा कोई गलती का हर्जाना आप क्यों भरेंगे? एबनॉर्मल आइटम कब आता है? जब हम लोग कहीं पे बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए, हम लोगों से गलती हो गई प्रोडक्शन करते करते, अब उसका हर्जाना ग्राहक क्यों भरेगा? करेक्ट, कोई ग्राहक नहीं आएगा। जैसे सोचो एक साबुन का फैक्ट्री है, उसमें आज 10 लाख पीस साबुन बन के पड़ा था, एक एक साबुन का कॉस्ट था 10 रुपया, तो 1 करोड़ का इन्वेंट्री था। आज शाम को फैक्ट्री बंद करके गए, पता चला घर पहुंचे तो आग लग गई है फैक्ट्री में, दौड़े दौड़े आए, आग बुझी, अंदर गए तो देखा सिर्फ एक साबुन बचा हुआ है, 10 लाख में से एक साबुन मिला, 10 लाख का कॉस्ट 1 करोड़ था, तो ये एक साबुन 1 करोड़ का हो गया है, बेच सकेंगे 1 करोड़ में? कोई ग्राहक देगा? तो देगा ही नहीं, तो आप उसको अपना कॉस्ट का पार्ट मानते ही क्यों है? जो लॉस हो गया, ठीक है, 9,99,999 साबुन एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो आपका लॉस है, ग्राहक उसका पेमेंट नहीं करेगा। ग्राहक एक साबुन वो दे दीजिए, 10 रुपया दे देगा उसका, राइट? 9,99,999 साबुन जो जल गया उसका लॉस एबनॉर्मल लॉस है, वो इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए, वो अलग चीज है, बट ग्राहक से नहीं ले पाएंगे तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। भाई एक सवाल आया सर, जीएसटी हुआ तो क्या होगा? जीएसटी जीएसटी किस पे लगा ये बताओ? मटेरियल पे लगा। अब देखो जीएसटी का पढ़ाई में आप लोग ये सीखते हैं कि एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो अगर हमारा भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है और हम लोग अपने ग्राहक से जीएसटी लेंगे, सेल करेंगे तो अपने कस्टमर से जीएसटी लेंगे ना, तो मटेरियल पे जो जीएसटी मेरा लगा हुआ है वो मैं सेट ऑफ कर लूंगा और फिर नेट जीएसटी सरकार को पे करूंगा। मालूम है ये चीज? हाँ, ये नहीं पता है? जीएसटी का क्लास नहीं हुआ क्या अभी तक? अगर हम मटेरियल खरीदा 100 रुपया का, उस पे सोचो 12 रुपया जीएसटी है, ठीक है। अब उसके बाद मेरा अदर कॉस्ट लगा, वो 200 रुपया लग गया, टोटल कॉस्ट आ गया 300, फिर मेरा प्रॉफिट आ गया 50 रुपया का या 100 रुपये का सोचो, तो मैंने सेल्स रखा 400। अब इस 400 पे वापस जीएसटी मुझे देना है, मान लीजिए 12% होता है 48, तो एक्चुअली मेरा कस्टमर मुझे कितना रुपया देगा? 448। 48 किस लिए दिया? वो जीएसटी बोल के। तो किसको देना है वो जीएसटी? मेरे पास थोड़ी रहेगा वो जीएसटी, मुझे किसको जमा करना है? गवर्नमेंट को जमा करना है। तो गवर्नमेंट बोलता है आप क्या पहले इनपुट पे जीएसटी दिए हैं? जब मैं मटेरियल खरीदा होगा तो मैंने कितना रुपया पेमेंट किया? मटेरियल खरीदा तो कितना रुपया पेमेंट किया? 112। मटेरियल तो 100 का ही था, 12 रुपया क्या चीज का दिया? जीएसटी। तो सरकार, वो वाला आदमी, वो जो सप्लायर है, वो 12 रुपया लेके मेरे से सरकार को दिया होगा। मैंने अगर 112 दिया है तो 12 तो वो रख नहीं सकता ना, मैंने तो मटेरियल 100 का ही लिया, 112 क्यों दिया? 12 रुपये एक्स्ट्रा सरकार के लिए, तो गवर्नमेंट को दे दिया 12 रुपया मैंने, इनडायरेक्टली मैंने ही दे दिया, आप ऐसे ही सोचिए ना। तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा वापस 48 रुपया मुझे मत दीजिए, 12 तो आप दे ही चुके हैं, तो 36 रुपया दीजिए।
तो आपका कॉस्ट 36 हुआ ना, मतलब ये 12 रुपया इस 48 से सेट ऑफ हो गया, तो ये 12 एक्चुअली इनपुट में जब मिल गया तो आपका कॉस्ट नहीं है। अगर ये मान लीजिए इनपुट में एडजस्ट नहीं होता, ऐसे आपको गवर्नमेंट को पूरा 48 ही देना पड़ता, तो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट है। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ जनरल रूल्स है, आप ऐसे ही याद रख लीजिए। ये जनरल रूल्स का एक अलग मेरा वीडियो भी बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, इसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल GACAP, इसका वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। कॉस्टिंग का जनरल रूल्स बताया हुआ उसमें, GACAP, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये बोलता है कि कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है लेकिन बाद में रिकवरेबल है, एडजस्ट हो जाएगा, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, GACAP, इसका वीडियो देख सकता है। ऐसे तो GACAP वगैरह की बातें जब जहां जरूरत पड़ती है वहां बताते रहते हैं, बट खाली GACAP पे भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कोई भी खर्चा जो बाद में एडजस्टेबल है, रिकवरेबल है, तो वो शुरू से ही कॉस्ट का पार्ट नहीं, क्योंकि उसका पैसा तो आ ही जाएगा ना, थोड़ा लेट होगा, ठीक है आ जाएगा ना, तो हम कॉस्ट का पार्ट क्या माने, समझे? ओके, सो विथ ऑल दीज वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस। आप यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, नंबर 3, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कितना नंबर पेज है जैसी मैट का? हाँ, 15। नंबर 4, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला टाइप होगा बेसिक फॉर्मेट बेस्ड, पहला है बेसिक फॉर्मेट बेस्ड, दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और तीसरा है मिसिंग फिगर्स। तीसरा है मिसिंग फिगर्स। ओके, तो चलो पहला टाइप में चल रहे हैं। नंबर 1, बेसिक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 6 आइटम है कॉस्ट शीट में, वो 6 आइटम नहीं, एक्चुअली 6 हेडिंग है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल एक हेडिंग है, डायरेक्ट वेजेस एक हेडिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंस एक हेडिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड एक हेडिंग है, एडमिन ओवरहेड एक हेडिंग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक हेडिंग है। ऐसा नहीं होता कि कोई आता है बोलता है चलो सेलिंग एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पैसा दो, कोई आता है बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड का रुपया दो, ऐसा नहीं होता है। हम तो रुपया देते हैं रेंट का, हम तो रुपया देते हैं मैनेजमेंट मैनेजर का सैलरी, हम तो रुपया देते हैं, समझ में आ रहा है, शोरूम का, लाइटिंग का, बिजली का खर्चा, तो हम तो एक्सपेंस का जो नाम होता है वो कुछ अलग होता है, हम जिसका पेमेंट करते हैं वो अलग नाम होता है। आपको समझना है कि वो आपका 6 हेडिंग में कहां पे जाएगा, उसी के ऊपर अभी हमारा क्वेश्चन है। दैट इज ओनली बेसिक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, VK लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी incurred द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ certain पीरियड। यू आर required टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द सब डिविजन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग सब डिविजन ऑफ टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया बेसिकली कॉस्ट शीट।
स्टेटमेंट शोइंग सब डिविजन ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब हो गया कॉस्ट शीट. नाउ मटेरियल्स यूज्ड ऑन जॉब्स, ये कहाँ जाएगा कॉस्ट शीट में? छह आइटम में डायरेक्ट मटेरियल. वेजेस ट्रेसेबल, ट्रेसेबल मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट वेजेस. वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट है लेकिन कहाँ? छह में से एक चुनना है. फैक्ट्री ओवरहेड. सेल्समैन सैलरी कहाँ जाना चाहिए? सेलिंग ओवरहेड. डायरेक्टर फीस, एडमिन ओवरहेड. कैरेज इनवर्ड. डायरेक्ट मटेरियल में जुड़ जाएगा मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त. कैरेज आउटवर्ड. इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलना है, छह नाम है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड. कैरेज आउटवर्ड कहां जाना चाहिए? सेलिंग ओवरहेड. फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड. वर्क सैलरीज. अच्छा, वर्क सैलरीज होता है इन जनरल, जैसे फैक्ट्री में कुछ सुपरवाइजर होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, इंजीनियर टाइप के लोग होते हैं जो सैलरी बेसिस में पैसा लेते हैं, सीनियर होते हैं. सीनियर एक होता है रोज का मजदूर और एक होता है सीनियर जो परमानेंट रहता है, जो उनसे काम निकलवाता है. तो उनको जब सैलरी दे रहे तो उसका नाम है वर्क सैलरी. ठीक है, तो वर्क सैलरी इज योर फैक्ट्री ओवरहेड. हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब नंबर 132, ये एक स्पेशल खर्चा हो गया, रेगुलर खर्चा नहीं. कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया गया है तो डायरेक्ट एक्सपेंस. कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्टोर्स माने मटेरियल. कंज्यूमेबल माने ऐसा मटेरियल जो मशीन चलाने के काम में आता हो या आपका प्रोडक्ट में लगता है बट दिखाई नहीं देता है. जैसे एग्जांपल सोचिए, हम लोग ये किताब आपके लिए बनाते हैं तो ग्लू लगता है ना, ग्लू बाइंडिंग करने के लिए. तो ये ग्लू क्या है? ये मटेरियल है और ये कंज्यूमेबल है. अब ये मशीन चलाता होगा जो जिस मशीन में बाइंडिंग होता होगा, उस मशीन में ग्रीस लगता होगा, लुब्रिकेंट लगता होगा, तो वो सब कंज्यूमेबल स्टोर्स में आ जाता है. हो सकता है कोई आलपिन लगता होगा, स्टेपलर लगता होगा जो हमें पता नहीं, काम करते वक्त कोई चौक लगता होगा, कोई पेन लगता होगा, सब कंज्यूमेबल स्टोर्स है जो कंज्यूम हो जाता है काम करते वक्त, वो लाना पड़ता है. तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड हुआ. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. फैक्ट्री ओवरहेड, डिलीवरी वैन, सेलिंग ओवरहेड. इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स. एक्चुअली देखिए, फिनिश गुड्स पे इंश्योरेंस हम लोग नहीं कराते, जो कस्टमर आता है लेने वो कराता है. ठीक है, बट हम लोग करा रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं. तो ये क्या हुआ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया. अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे आपका वेयर हाउस है, वेयर हाउस में बहुत सारा फिनिश गुड्स बन के पड़ा रहता है, तो सेफ्टी के लिए आप उसका इंश्योरेंस करा लिए, तो उस समय वो वाला कॉस्ट को भी हम लोग सेलिंग ओवरहेड में भी डालते हैं. मतलब इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स स्टोर्ड इन वेयर हाउस को भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालेंगे, क्योंकि अभी तक वो सेल नहीं हुआ, सेल होने का इंतजार कर रहा है, तो सेल्समैन उसको बेच नहीं पा रहा है, उसके कारण उसका कॉस्ट लग रहा है, इंश्योरेंस कॉस्ट. ऐसे सोच के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. लुब्रिकेटिंग ऑयल, फैक्ट्री ओवरहेड. सर, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल और कंज्यूमेबल स्टोर्स में फर्क क्या हुआ? देखो, ग्लू जो एग्जांपल दिया वो कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है. ग्लू कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, चौक कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, समझ रहे हैं? कोई पाउडर वाउडर छिड़कना पड़ता होगा प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उसके ऊपर काम करना है, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया. लुब्रिकेटिंग ऑयल थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया कि ये मशीन के ऊपर लगाया जा रहा है. बैड डेट नहीं आएगा. कमीशन टू सेल्समैन, सेलिंग ओवरहेड. कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री. अब आइडल टाइम देख के ऐसा लगता है कि वेजेस का पार्ट है क्या? अगर वेजेस का पार्ट होता तो वो वेजेस के साथ ही जुड़ा हुआ होता, अलग से दिया हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड है. ऑडिटर्स फीस आएगा, एडमिन ओवरहेड. ऑडिटर तो लगता ही है ना. कॉस्ट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट.
अब ऑडिट अलग अलग तरह का होता है, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट. अब बोल रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब होता है फाइनेंशियल पीएल बैलेंस शीट का ऑडिट, तब नहीं आएगा. टैक्स ऑडिट बोल रहा है नहीं आएगा, कॉस्ट ऑडिट बोल रहा आएगा, खाली ऑडिट फीस बोल रहा आएगा, ठीक है. डिविडेंड नहीं आएगा, लाइटिंग ऑफ शोरूम, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड, इनकम टैक्स नहीं आएगा. इसका रेफरेंस में लिखिए बेसिक फॉर्मेट बेस्ड. ठीक है, जो आपको लगे ना कुछ यूनिक आइटम है जो आपको आज पहली बार सुनने को मिला, वो सब पे स्टार लगा दो. जैसे ये वाला, ये वाला, जहां जहां डाउट आ सकता है, आपको लगता है कि नहीं एक दो आइटम देखने का चीज है, तो वहां वहां स्टार लगा. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 16. स्टेटमेंट शोइंग सब डिविजन्स ऑफ कॉस्ट. पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है. उसमें दो आइटम है ना. देखिए ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, यहां पे कचड़ा नहीं करेंगे. आप इसमें आधा पेज का जगह छोड़ दीजिए, आधा से थोड़ा ज्यादा छोड़ दीजिए. फिर आइए नोट बनाइए नीचे, नोट नंबर वन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अंडरलाइन करिए. अब यहां पे लिखिए मटेरियल्स यूज्ड ऑन जॉब्स. कितना रुपया का है? हाँ, 1,2540. फिर दूसरा बोलिए, कैरेज इनवर्ड कितना है? 860 टोटल. नोट टू, डायरेक्ट वेजेस में आ जाइए और यहां लिखिए वेजेस. क्या नाम है? ट्रेसेबल टू जॉब्स. कितना रुपया है? हाँ, 86,650. अब और कोई आइटम तो है नहीं वेजेस को लेकर. नोट थ्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब नंबर 132, यही है ना? कितना रुपया है? 1300। फिर नोट नंबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक एक करके देखो, पहला आइटम कौन सा आ रहा है। हाँ, लाइन बाय लाइन जाइएगा। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस, वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस कितना रुपया हुआ? 12,600। फिर दूसरा आइटम, हाँ, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। सर रेंट तो समझ में आता है, रेट्स माने क्या होता है? हाँ, रेट्स माने होता है जगह को यूज करने से जुड़ा हुआ छोटा मोटा टैक्स, समझे? उसका नाम है रेट्स। कितना रुपया है? हाँ, 80, 8,300। ठीक है, फिर वर्क सैलरीज कितना है? 20,400। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है? 340। फिर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स, क्वेश्चन देख के लिखो, कितना है? 3,800। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना? हाँ, 250। फिर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री, फाइव टेन। फिर हो गया, टोटल करिए। हाँ, 46,200। नोट 5, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में बताइए। हाँ, डायरेक्टर्स फीस कितना रुपया है? 10,000। फिर ऑडिटर्स फीस, हाँ, 3,800। फिर ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, 7,000। और कुछ है? कितना है ये? 20,800। नोट 6, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सेल्समैन सैलरीज कितना रुपए है? 15,100। फिर कैरेज आउटवर्ड 2,800। फिर डिप्रिसिएशन ऑन
डिलीवरी वैन 1600, फिर इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स 2500, फिर कमीशन टू सेल्समैन कितना रुपया है 2850, और कुछ लाइटिंग ऑफ शोरूम 1500 और 26,350. फिर नोट 7 लिखिए, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट. कौन कौन सा आइटम को छोड़ा आपने? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट. बैड डेट्स कितना रुपया 300, और डिविडेंड पेड 6800, और इनकम टैक्स 8600. क्यों छोड़ा इसका रीजन भी पूछ सकता है एग्जाम. बैड डेट, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स, बिकॉज दीज आर आइटम्स दैट हैव नो कनेक्शन विथ ऑपरेशंस और प्रोडक्शन. 15,700. ओके, नाउ जस्ट गो एंड पुट एवरीथिंग इन द कॉस्ट शीट फॉर्मेट. सो डायरेक्ट मटेरियल नोट 1 से कितना रुपया आ रहा है 121,400. डायरेक्ट वेजेस नोट 2 से 86,650. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट 3 से 1300. प्राइम कॉस्ट ₹2,09,350. फैक्ट्री ओवरहेड्स नोट 4 46,200. फैक्ट्री कॉस्ट 255,550. फिर डब्ल्यू आई पी वगैरह नहीं होने से यहीं पे फैक्ट्री कॉस्ट आ गया. अब आप नेक्स्ट ओवरहेड ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नोट 5 20,800. कितना आ रहा है 276,350 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड सिंस देयर इज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, दिस इज ओनली COGS. फॉर्मेट देख लीजिए एक बार पेज 12 में. सीओपी के बाद COGS में ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है, बट यहां पे था नहीं. फिर आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नोट नंबर 6 26,350. कॉस्ट ऑफ सेल्स
3,02,700 बस सेल्स दिया हुआ थोड़ी है, यहीं पे सम खत्म। 3,02,700 ओवर। सो ये सम तो हो गया, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।